हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास 31 टेक में। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक फेसबुक यूज़र हैं, फेसबुक एप्लीकेशन चलाते हैं और आपने फेसबुक पेज भी बना रखा है और आप अपनी फेसबुक पेज पे कोई वीडियो अपलोड करते हैं या वीडियोस अपलोड करते आ रहे हैं लेकिन आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज़ नहीं आ रहे या बहुत कम व्यूज़ देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर आप बाकी की वीडियोज़ या किसी और की वीडियो को देखते हैं तो उसकी वीडियो पर मिलियंस में व्यूज़ आते हैं और आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि मेरी वीडियो के ऊपर व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि फेसबुक पेज पे वीडियो को अपलोड करने का सही तरीका क्या है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका शेयर करने वाला हूं, अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आपकी वीडियो पे व्यूज़ भी भर भर के आएंगे, मिलियंस में व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे और आपका पेज तेज़ी से ग्रो होगा और जल्दी से मोनेटाइज होके आप उससे महीने के लाखों रुपये कमा पाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, मैं आपको बिल्कुल नया तरीका बताऊँगा और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊँगा, इसलिए वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पे सेट कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, तो अपने फेसबुक पेज पे वीडियो अपलोड करने के लिए आप में से काफ़ी सारे लोग क्या करते होंगे कि अपने फेसबुक एप्लीकेशन में जाते होंगे और वहाँ पे अपने फेसबुक पेज पे जाके वहाँ से वीडियो अपलोड करते होंगे। यही आपको तरीका नहीं पता कि सही तरीका क्या है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। आपको वहाँ से वीडियो अपलोड नहीं करनी है, हमें क्या करना है, प्ले स्टोर के अंदर जाना है हमें, और सबसे पहले हमें एक एप्लीकेशन को यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है, मैं यहां पे आपको लिख देता हूं, क्रिएटर स्टूडियो नाम से एक एप्लीकेशन आपको दिखाई देगी। आपको इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया है। ये YT स्टूडियो की तरह एप्लीकेशन है, जैसे यूट्यूब के लिए YT स्टूडियो होता है, वैसे ही फेसबुक पेज के लिए आपको यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो दिया गया है जहाँ से आप अपनी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है। अब मैं यहाँ पे ओपन पे इस पे क्लिक करता हूँ। तो ओपन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अपने एक डमी चैनल से, फेसबुक पेज से यहाँ पे ओपन किया हुआ है, लॉगिन किया हुआ है। आपको भी इसमें लॉगिन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने जैसे ही आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि फेसबुक पेज के ये लॉगिन मांग रहा है। तो आपको अपने फेसबुक पेज से इसमें लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आपको जैसे YT स्टूडियो के अंदर सारे एनालिटिक्स दिखाई देते थे, वैसे ही आपको यहाँ पे भी दिखाई देंगे। अभी यहाँ पे कोई वीडियो नहीं डाली हुई मैंने, ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे कुछ भी दिखाई अभी नहीं दे रहा है। यहाँ पे आपको लाइक्स, कमेंट्स, जैसे आपका YT स्टूडियो था उसी तरीके से ये वर्क करता है। ये इसका होम पेज है। सेकेंड नंबर पर जो ऑप्शन है नीचे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी सारी वीडियोज़ आ जाएंगी, ठीक है। पब्लिश्ड वीडियो कौन सी हैं, शेड्यूल्ड कौन सी हैं, ड्राफ्ट कौन सी हैं, सारी यहाँ पे आपकी वीडियोस आ जाएंगी। थर्ड नंबर पे आपके एनालिटिक्स हैं, इनसाइट्स क्या हैं, उसके कितने उस पर व्यूज़ आए हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फोर्थ नंबर पे आप चैट कर सकते हैं यहाँ पे, और सेकंड नंबर में आपको यहाँ पे कमेंट्स भी मिल जाएंगे। मैसेज और कमेंट दोनों के ऑप्शन हैं यहाँ पे। जो भी कमेंट्स आपकी वीडियो पे आएंगे वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, मैसेजेस आएंगे वो यहाँ से मैनेजेस कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन यहाँ पे नोटिफिकेशन का है, यहाँ पे नोटिफिकेशन आप ऐड कर सकते हैं। जो भी आपके वीडियो पे नोटिफिकेशन आएंगे उसे आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद होम पेज पे हम आएंगे और इस पे वीडियो कैसे अपलोड करनी है अब आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में आपको जो ये पेंसिल वाला आइकन दिखाई दे रहा है बॉक्स के अंदर, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे आपको रील्स अपलोड करनी है वो आप यहाँ से करिए, वीडियो करनी है वीडियो डालिए, फ़ोटो डालिए, लाइव आइए, टेक्स्ट करिए टेक्स्ट करना है, ठीक है। सब कुछ आप यहाँ से, जिस तरीके की पोस्ट आप करना चाहते हैं, लाइव आना चाहते हैं, वो सब यहाँ से आप आ सकते हैं। यहाँ पर आप वीडियो हमें अपलोड करनी है तो हम सिंपल वीडियो पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम गैलरी में पहुंच जाएंगे और जो वीडियो हमें अपलोड करनी है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो मैं गैलरी में जल्दी से जाके यहाँ पे एक वीडियो अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैं वीडियो पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको एलो कर देना है एक्सेस, सब कुछ एलो कर देना है, एलो, और वीडियो को इंसर्ट कर देना है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वीडियो डाल दी, ठीक है। ये मैंने आपको बस सिखाने के लिए, एग्जांपल के लिए एक वीडियो बना के डाली। आप अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाए वो वीडियोज़ ही आप डालें, ठीक है। यहाँ पे आपका वीडियो का टाइटल आ गया। सबसे पहले जैसे आप वहाँ पे यूट्यूब वीडियोज़ में लिखते थे टाइटल, वैसे ही टाइटल आपको यहाँ पर डालना है। जैसे डिस्क्रिप्शन वहाँ लिखते थे, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, वैसे ही डिस्क्रिप्शन आपको
यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे जो भी डिस्क्रिप्शन लगाते थे आप, अपने सोशल मीडिया के लिंक्स देते थे, प्लेलिस्ट के लिंक्स देते थे, या यहाँ पे आप वीडियोस डाल रहे हैं वीडियोस के लिंक दे सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो टाइटल में लिखें वही लाइन आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी लिखें, उसके बाद बताएँ कि आपने इस वीडियो में क्या बताया है। उसके बाद यहाँ पर थंबनेल का ऑप्शन है, तो थंबनेल भी आपको ज़रूर लगाना है। ये आप देख सकते हैं इसने वीडियो में से ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे जब ऐड पे क्लिक करेंगे आप, या तो आप चूज़ फ्रॉम वीडियो, वीडियो में से ही कोई थंबनेल सेलेक्ट कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं। अपलोड पे क्लिक करके आपको अपनी गैलरी में से, जैसे आप यूट्यूब वीडियो पे थंबनेल लगाते थे, वैसे आपको यहाँ पे थंबनेल लगा देना है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे मैं अभी आपको लगा के नहीं दिखा रहा है, यही वाला यूज़ कर लेंगे हम, ठीक है। या लगाना हो तो आप लगा भी सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कोई वीडियो का टाइटल डालूँ तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे मैं अभी तो आपको डेमो दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अभी डेमो डेमो ही लिख रहा हूँ दोनों जगह, ठीक है। यहाँ पे भी डेमो ही लिख देता हूँ अभी। आप पूरा कंप्लीट लिखें जो आपकी वीडियो है, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से अपलोड करनी है, इसलिए मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे डेमो डेमो लिख दिया मैंने। उसके बाद नीचे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है हमें। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं प्रीव्यू इस तरीके से हैं। सबसे ऊपर पब्लिशिंग ऑप्शन आ गए आपके, कि अभी पब्लिश करना है, शेड्यूल करना है, सेव करना है ड्राफ्ट में, तो वो आप सब तरीके से कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं आपका प्रीव्यू ऐसे दिखाई देगा, आपका थंबनेल ऐसा दिखाई देगा, और यहाँ पे जैसे आप पब्लिश करेंगे आपकी ये वीडियो जो है वो आपके फेसबुक पेज पे अपलोड हो जाएगी। इस तरीके से आप अपनी वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपकी वीडियो के ऊपर आपको लाखों में व्यूज़ देखने को मिलेंगे, और आपका चैनल जो पेज है आपका वो बहुत तेज़ी से ग्रो होगा, और आपके जो मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया है वो बहुत जल्दी कम्प्लीट हो जाएगा। तो मैंने आपको तरीका बता दिया है, अब आप जाके ज़रूर ट्राई करें इस तरीके को। तो फ्रेंड्स, अब आप सीख गए होंगे कि आप अपने फेसबुक पेज पे वीडियो को कैसे अपलोड करें, जिससे आपकी वीडियो पे मिलियंस में व्यूज़ आएंगे। वीडियो को अपलोड करने का सही तरीका मैंने आपको सिखा दिया है। अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है आपके माइंड में, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।